बच्चों आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड एटॉमिक मॉडल्स। बच्चों डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन 1920 से पहले बच्चों ये समझा गया था कि एटम के अंदर सिर्फ दो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन का तो बच्चों नेग्लिजिबल मास होता है, तो आप एटम के मास को मास ऑफ प्रोटॉन ही मान सकते हैं बच्चों, ठीक है। 1920 में रदरफोर्ड ने ये पाया कि हाइड्रोजन एटम को छोड़कर एटॉमिक मास किसी भी एटम का सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से एक्सप्लेन नहीं हो सकता था बच्चों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हीलियम एटम का मास जो है वो दो प्रोटॉन के मास के इक्वल आना चाहिए था, ठीक है। मास ऑफ हीलियम एटम मस्ट बी ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन। लेकिन एक्चुअल में क्या था, मास वाज एक्चुअली फाउंड टू बी 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन। हीलियम का जो मास है ना बच्चों, वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम मिला। अब रदरफोर्ड ने प्रेडिक्ट किया भी कुछ न्यूट्रल पार्टिकल भी एटम के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी डिस्कवरी जो थी ना बच्चों, रदरफोर्ड ने तो सिर्फ प्रेडिक्ट किया, लेकिन उनकी डिस्कवरी किसने की बच्चों, चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने क्या किया, इन 1932 बम्बार्डेड ए थिन शीट्स ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल। बच्चों हीलियम न्यूक्लियस को आप क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। अगर हीलियम के एटम से आप दो इलेक्ट्रॉन निकाल देना तो हीलियम न्यूक्लियस बचेगा, जिसे आप अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो इन 1932 ही बम्बार्डेड ए थिन शीट ऑफ बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल एंड फाउंड दैट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन वाज एमिटेड, ठीक है बच्चों। जब उन्होंने स्ट्राइक किया बेरिलियम मेटल को अल्फा पार्टिकल से, तो कुछ पार्टिकल की रेज निकली जो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल थे बच्चों। न्यूट्रल चार्ज था मतलब उन पर कोई चार्ज नहीं था। और बाद में उन्होंने फिर उनको क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन्स। क्या नाम दिया बच्चों, न्यूट्रॉन। ये एक आपको एक जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। एक्चुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना, 1.6749 × 10⁻²⁴ g। बच्चों ये बिल्कुल स्लाइटली हैवियर है प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में, और चार्ज कितना बच्चों, जीरो, ठीक है। अब हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम देखते हैं। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बच्चों, इन 1898 जे जे थॉमसन प्रपोज दिस मॉडल। 1898 में जे जे थॉमसन ने ये मॉडल दिया था। उन्होंने क्या कहा बच्चों, एटम जो है वो एक स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या है, एम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं बच्चों, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के इक्वल है बच्चों। तो ओवरऑल एटम क्या था, न्यूट्रल, ठीक है। ओवरऑल एटम क्या, न्यूट्रल। तो कैसा मॉडल दिया, एटम में बी रिगार्डेड एज ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। और इस मॉडल को आप कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ, पुडिंग और वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद प्लम्स और सीड्स एम्बेडेड इन टू इट। जैसे आप एक तरबूज के साथ इसका कंपेरिजन कर सकते हैं बच्चों। जैसे तरबूज का जो रेड पार्ट है, जो एडिबल पार्ट है, वो तो है पॉजिटिव चार्ज बच्चों, और उसमें जो सीड्स हैं, जो ब्लैक सीड्स आप देखते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही आप कंपेयर कर सकते हैं प्लम पुडिंग के साथ बच्चों, ठीक है। और ये देखो बच्चों, ड्राइंग पे मत जाना, ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन, एक फिगर है कि एटम में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन जो है वो धसे हुए हैं, यानी अकॉर्डिंग टू थॉमसन इलेक्ट्रॉन जो है मूविंग नहीं है बच्चों, वो स्टेशनरी हैं, ठीक है। ये एक लिमिटेशन थी उनके मॉडल की। अब हम लिमिटेशन देखते हैं बच्चों कि क्या कमियां थी इस मॉडल में, ठीक है। मॉडल समझ में आया कि एटम को पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर माना, और ये कहा कि इलेक्ट्रॉन तो एम्बेडेड है लाइक सीड्स इन वाटरमेलन, एंड ओवरऑल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ स्फीयर, ठीक है। ओवरऑल एटम क्या है, न्यूट्रल। हालांकि इन्होंने एटम की न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन किया बच्चों, ठीक है। अब हम इसकी लिमिटेशन देखते हैं बच्चों। लिमिटेशंस, कमियां किसकी, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट विद गोल्ड फॉइल। बच्चों ये रदरफोर्ड का जो
एक्सपेरिमेंट था, उसको एटम का ये वाला मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, ठीक है, क्योंकि इस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने शो किया था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बच्चों एटम के अंदर, बल्कि वो सेंटर में आप उसे कंसीडर करेंगे, जिसे हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने बताया था कि जो पूरा का पूरा मास है वो सेंट्रल लोकेटेड है बच्चों, ठीक है। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड इट इज़ ए स्टेटिक मॉडल। बच्चों ये क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, मतलब वो चल नहीं रहे हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, रुके हुए हैं बच्चों। तो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि आज के समय में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, ये एक टेबल है बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है, आपको इसके बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सिंबल क्या है, ठीक है, उनका एब्सोल्यूट चार्ज क्या है, रिलेटिव चार्ज क्या है। बच्चों एक चीज़ और, जैसे ई बाय एम मास हमने जो पीछे डिस्कस किया था कैथोड रेज के केस में भी, एनोड रेज के केस में भी, हम ई बाय एम चार्ज बाय मास रेशो को स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं। कभी आप उससे मतलब कि आपको वो अननोन रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ई बाय एम को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज, ये भी बात आप ध्यान रखें, ठीक है। ये मास है बच्चों किलोग्राम के अंदर 9.11 × 10⁻³⁻³ kg, ठीक है। ये आपका प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का और ये न्यूट्रॉन का। अगर कोई आपसे ये पूछे कि एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है, तो ये लगभग बच्चों 1837 गुना जो है ज़्यादा होता है प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये मास जो है बच्चों AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, 0.0054 और 1.0072 1.0086, थोड़ा सा हैवी होता है न्यूट्रॉन किससे, प्रोटॉन से बच्चों, ठीक है। और आप ये बात ध्यान रखिए कि अप्रोक्सीमेट अगर एटॉमिक मास यूनिट में आप कंसीडर करें तो ये जीरो के लगभग, ये वन और ये वन, ठीक है। इस तरह से ये टेबल का आपको पूरा पता होना चाहिए बच्चों, है तो बेसिक बातें लेकिन इसको आपको आना चाहिए क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में इनकी ज़रूरत रहेगी बच्चों, ठीक है। तो आज जो है आप एक तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को अच्छे से कर लेंगे बच्चों, हालांकि ये आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं बच्चों, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया आपको बोहर मॉडल ऑफ एटम का भी है, लेकिन इस चैप्टर में हम एक मॉडर्न जो मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम उसकी भी स्टडी करेंगे, ठीक है, और डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगले लेक्चर में हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को डिटेल डिस्कशन करेंगे बच्चों, ठीक है। आज के लेक्चर में आप इतना ही करें।